गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स, लेसन को आगे स्टडी करते हैं। एट दिस पॉइंट इस वन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग। मम्बलिंग मीन बुड़बुड़ाना, और इसी बिंदु पर ईश्वरन कहानी को अधूरी छोड़ देता था और उठ खड़ा हो जाता था। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। मैं गैस को जलाकर और डिनर शाम का खाना रात का खाना गर्म करके वापस आऊँगा। महिंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन। महेंद्र जो कहानी को इतने ध्यान से सुनता था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वह बीच में ही लटका रह जाता था। व्हेन ही रिटर्न जब वापिस लौटता, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। ईश्वरन एकदम कहानी को शुरू नहीं करता था। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। महेंद्र ने ही उसको ध्यान दिलाना पड़ता था कि कहानी का निष्कर्ष पेंडिंग था, बाकी था। वेल ए वेटरनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल। ईश्वरन वुड कैजुअली लापरवाही से ईश्वरन अपने कंधे को उचकाता। खैर, एक पशु चिकित्सक जानवर को होश में लाने के लिए बुलाया जाता था। टू डेज लेटर इट वाज बुलाया गया। इट वाज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल। दो दिन बाद महावत उसे जंगल में ले जाता था। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट। ईश्वरन तुमने यह सब कैसे तुम कर पाए। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द वेस्ट। तुमने किस प्रकार जानवर को नीचे गिराया। इट हैज समथिंग टू डू विद ए जापानीज आर्ट। यह एक जापानी कला के साथ कुछ करना होता है। आई थिंक मैं सोचता हूँ सर कराटे और जूजित्सु। इट इज कॉल्ड मैं समझता हूँ क्या ये कराटे या जूजित्सु इसको कहा जाता है। इस कला से तुमने उसको नीचे गिराया। इट हैड रेड अबाउट इट समवेयर। मैंने इसके बारे में कहीं सुना था। इट टेम्परेरीली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम। यू सी तुम देखोगे कि यह अस्थायी रूप से नर्वस सिस्टम को लकवाग्रस्त कर देता है। नॉट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। एडवेंचर साहस हॉरर डर सस्पेंस संशय रहस्य। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि ईश्वरन कोई साहस डर या संशय की कहानी न सुनाए। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे कहानी विश्वसनीय हो या नहीं। महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट। महेंद्र कहानी को सुनने में मज़ा लेता था। बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। क्योंकि जिस ढंग से वह कहानी सुनाता था वह उसमें इतना घुल मिला जाता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द सेंस ऑफ ए टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर। ईश्वरन महेंद्र के रहने वाले कमरों में टीवी की अनुपस्थिति टीवी से भी ज़्यादा पूरी कर देता था। वन मॉर्निंग एक सुबह वहन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट। महेंद्र सुबह का नाश्ता ले रहा था। ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर। श्रीमान जी, क्या आज रात को खाने के लिए मैं कुछ विशेष बना सकता हूँ। आफ्टर ऑल टूडे इज एन
ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस मीन पवित्र, शुभ, क्योंकि परंपरा के अनुसार आज का दिन शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। टुडे सर, श्रीमान जी, आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। दैट नाइट महेंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वर ऑन हिज कलिनरी स्किल्स। कलिनरी स्किल्स होता है पाक कुशलता, खाना पकाने की कुशलता। उस रात को महेंद्र ने अति स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और ईश्वरन के उसके पाक कुशलता के लिए प्रशंसा की, सराहना की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बहुत खुश लग रहा था। बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन बगैर संभावना के, लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैस काउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, उसने अलौकिकता को शामिल कर अति रोचक कहानी को शुरू कर देता था। यू नो सर, तुम जानते हो, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग, यह पूरा फैक्ट्री क्षेत्र जिसमें हम रह रहे हैं, वाज वंस ए बरियल ग्राउंड, कभी शमशान भूमि हुआ करती थी। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। महेंद्रा वाज ड्रग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी। महेंद्र को अपनी खुशनुमा स्मृति से एकदम वह झटके से बाहर आया। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू द आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, संतुष्ट भोजन से संतुष्ट होकर जिसमें वह चला गया था। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, मैंने स्वयं पहले दिन देखा था। व्हेन आई सॉ इस वुमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, कि एक मानव की खोपड़ी रास्ते पर पड़ी थी, खोपड़ी का कंकाल रास्ते में मैंने पड़ा देखा। एवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वर कंटिन्यूड, ईश्वर ने कहना जारी रखा, अब में मुझे रास्ते में बहुत सी मानव खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मिल जाती हैं, देखने को मिलती हैं। ही वेंट ऑन टू नरेट, उसने कहना जारी रखा, हाउ ही समटाइम्स गोस्ट एट नाइट, कि रात ने में कभी कभार उसने भूतों को देखा। आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, श्रीमान जी, मैं इन चीज़ों से इतनी आसानी से नहीं डरता। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर आदमी हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ ए वुमेन विच अपियर्स ऑफ और ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, पूर्णिमा की रात के अर्धरात्रि को कभी कभार एक औरत की भयानक भूत कभी दिखाई पड़ता है, कभी गायब हो जाता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर, यह उलझे हुए बालों का एक बद्दा जंतु है। एंड ए श्रीवेल्ड फेस, जिसका चेहरा सूखा हुआ है, लाइक ए स्केल्टन, अस्थि पिंजर की तरह, कंकाल तंत्र की तरह। होल्डिंग ए फोटस इन हिज इन इट्स आर्म्स, जो अपनी बाजुओं में एक भ्रूण को लिए हुए होता है। महेंद्रा शिवर एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र इस वर्णन से कांपने लगा। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और एकदम उसकी कहानी में बाधा डाली, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो ईश्वरन, देर आर नो सच थिंग्स एज गॉस्ट और स्पिरिट्स, भूतों या आत्माओं जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारी कल्पना का एक भाग है, इमेजिनेशन, कल्पना, फिगमेंट, भाग। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड एंड मे बी योर हेड एज वेल, हो सके तो तुम्हारे पाचन तंत्र को की जांच करवाओ और तुम्हारे दिमाग को भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।